पहला सवाल हमारे एक दोस्त ने लिखा है, इज माइंड साइंस और कंट्रोलिंग सेम एज सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक? एज फार एज आई नो समवन कैन कंट्रोल विद बोथ मेथड्स, इफ इट इज द सेम थिंग देन हाउ कैन वी फाइंड आवर सेल्फ इन पीस? सवाल समझ में आ गया। वो कह रहे हैं माइंड साइंसिस और माइंड कंट्रोल क्या ये एक ही चीज है? अगर है तो फिर ये ब्लैक मैजिक है। और बकौल उनके उन्होंने कहा है कि जी दोनों से दिमाग कंट्रोल होते हैं, तो अगर ऐसा है तो हम सुकून कहाँ तलाश करें? पहली तो बात है जी, माइंड साइंसेज एक साइंस है और माइंड साइंसेज में आप किसी और के माइंड को कंट्रोल नहीं करते, अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। जब सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड दुनिया में बड़ा फेमस हुआ, तो जब ये यूएसएसआर में गया, उस जमाने तो यूएसएसआर था, सोवियत ब्लॉक था, तो उन्होंने कहा तो माइंड कंट्रोल करने वाले आ गए अमेरिकन सारे, हमारे माइंड कंट्रोल करेंगे। तो उन्होंने फिर साफ लिखा है कि ये आपका अपना असल में सबसे मुश्किल काम है, अपने माइंड को कंट्रोल करना। शादी के बाद बेगम करती है, शादी से पहले आप करते हैं अपना माइंड। तो अपना माइंड कंट्रोल नहीं होता, हम सारी जिंदगी दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चाबी सक्सेस की यह है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करें। जिसने अपने माइंड को कंट्रोल किया उसने बहुत कुछ कर लिया। मेरा एक टीचर था गुरुजी, उन्होंने एक दफ़ा एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा अगर एक शख्स आके मुझसे कह दे कि ये पहाड़ है ना, ये मैं अपने कंधे पे उठा सकता हूँ, ये उन लोगों की बात है जिनके पास बड़ी कुवतें होती हैं, योगी इससे सारे, तो मैं जानता था कि क्या नहीं करिश्मे नहीं कर सकते।